अरे यार तू का यार, तू पागल हो गए हुए, तू सचमुच में पागल हो गए हुए। I'm very sorry, मुझे पता नहीं मैं क्या करने क्या मैं क्या क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आता, I'm sorry. और भैया क्या हाल कुत्ते कमीने, तूने ऐसे क्यों किया, क्यों किया? मुझसे शादी का वादा किया और किसी और के साथ निकल लिया। वो सन ऑफ अ, सन ऑफ अ, बस करो भैया। ये कैसी बातें कर रहे हो बहन जी आप? ये मतलब है भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कोई औरत हो के मैं आपको जो छेड़ूंगा? अरे यार तू काय को जन नल्ला के मुंह लग रहा है, जन नल्ला की चवन्नी ढीली हो गई है सतर। तू सारे लेके जा इसको, तू मार रहा है, बंद करो यार, हट। आज या तो विपु ने या मैं ने, ये तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही वो विभू का मासूम सा चेहरा मेरे सामने आता है, मेरे सारे इरादे चेंज हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज ना मैं उसके मासूम चेहरे की तरफ देखूंगी नहीं। हाय बेबी। हेलो बेबी। हेलो हेलो, कुछ नहीं, ये तुम सब कर रहे हो ये गलत है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ बेबी, बताओ ना मुझे, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? वही जो लोग आके मुझे बता रहे हैं, तुम्हारी हरकतें, ये सब कुछ ठीक नहीं है। बेबी मैंने क्या किया है? मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी को छेड़ा है, किसी से बदतमीजी की है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है बेबी, मुझे तो ना रह रहे के दौरे पड़ रहे हैं। दौरे क्यों? क्यों 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 पड़ रहे तुमको दौरे? तुम्हें क्या कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है? हाँ तुम कर रही हो ना। क्या? नहीं, मैंने कहा कि हर आज की तारीख में हर शादीशुदा मर्द टॉर्चर ही तो है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें मेंटली टॉर्चर करती हूँ? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा बेबी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर शादीशुदा मर्द जो है ना, वो खुद ब खुद टॉर्चर्ड हो जाता है। यार राइट। अब देखो, वो अपना प्रेम है ना, उसकी बीवी उसे कितना कितना टॉर्चर करती है। तुम दुनियादारी की बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कौन? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ये कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वो मिर्ज़ा ग़ालिब की रूह, तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारे पागलपन का ये नाटक है या सच्चाई है? और अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, और तुमने मेरे सामने सरेंडर किया ना, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चलो माफ कर दूंगी, बताओ ना सच क्या है। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कनिया, आए हे बजो हे लल्ला हे धनिया, आ बधाई रे आ बधाई रे आ हो आ। ओह गॉड, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। क्या हुआ पगली? जाइए लड्डू के भैया, हमको आपसे कौन बात नहीं करना है। हे रूठी हो पगली, हाथ नहीं लगाइए हमको, और एक तो बात बताइए। का बात? ओ गुलफाम कली हमरे बेडरूम में काहे आई थी? ओहो, तो सारा मसला जो है सो गुलफाम कली का है। वो का है ना पगली, के गुलफाम कली को हम नहीं लेके आए थे, भभूती जी लेके आए थे। हाँ तो भभूती जी उनको अपने घर का ही नहीं ले गए, यहाँ क्यों लेकर आए?
ऐसा है पगली की कोई भी गलत काम आदमी अपने घर में नहीं करता, वो दूसरे के घर में करता है ताकि फंसे तो सामने वाली पार्टी फंसे। हाँ तो हमको एक ठो बात बताइए, आप उनको छुपाने का कोशिश काहे कर रहे थे? अरे हम छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे भाई, काहे कि हम जो ही नहा के निकले तो हमने गुलफाम कली और भभूति जी को देखा तो हम बहुत घबरा गए, हमारी समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। तो इससे पहले कि कुछ करते ससुर कॉकरोच अपना खेल खेल गया। लेकिन भभूति जी तो पागल हो गए हैं। वो पागल नहीं हुए हैं, और वो पागल होने वाली पार्टी नहीं है, पागल करने वाली पार्टी है। वो भाभी जी के कहर से बचने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहे हैं, समझी? अरे सर छोड़ो यार, आओ ना तनिक रोमांस करें, हमारी बाहों में आओ पगली। जाइए, हमको नहीं आना है आपके पास। रही का बात कर रही हो? हमको ना आप पर ना कभी कभी बहुत ही शक होता है। वो शक नहीं, शक होता है पगली। सही पकड़े हैं, हमको लगता है कि कहीं तो बाहर ना आपका किसी के साथ कछु चक्कर चल रहा है। चक्कर तो हमारा सिर्फ एक ही के साथ चल रहा है, और वो है भाभी जी। क्या बोले, क्या बड़बड़ कर रहे हैं? अंगूरी के साथ दिया। पास आओ, काहे दूर बैठ। बस भाभी जी, थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर विभू इस टेस्ट में फेल हो गया ना तो भी मेरी नजरों में भी फेल हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। क्या कहा? हमने कहा भगवान करे ऐसा ना हो भाभी जी। सुनिए अनीता जी, हमको तो लगता है कि भभूति जी सचमुच पागल हो गए हैं। ये देखिए, देखिए, ये पागल है तू? ये पागल है या नहीं ये तो सक्सेना जी बताएंगे। अरे सक्सेना जी, सवाल जवाब शुरू करिए। ऑल द वर्स्ट भभूति जी। भाभी जी, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं, आप जीत जाएंगे। काम नाम भैया, काम नाम, काम नाम। ये जो टेस्ट है ना, इसका रूल समझाता हूँ आपको, हैं? वो सुन लीजिए। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, इस टेस्ट का नाम है पागलपंती टेस्ट। 5 में से अगर आपने आधे जवाब सही दिए तो आप आधे पागल साबित होंगे। ओके। और अगर आपने 2 सवालों से नीचे के सवालों के जवाब सही दिए तो आप पागल नहीं माने जाएंगे। ओके। ठीक है। ओके। पहला सवाल। गुड गोइंग, गुड गोइंग। पूछो। पहला सवाल ये है भैया कि पागल बनने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं पागल बनने के बाद ऐसा फील कर रहा हूँ कि जैसे मैं ना जामुन के पेड़ पे बैठ के अंगूर खा रहा हूँ। गलत जवाब है भैया। क्या है कि जो पागल होते हैं ना वो फील नहीं करते है? सही बात है, पागल कैसे फील कर सकता है। गुड गोइंग सक्सेना जी, कैरी ऑन। तो अब अगला सवाल यह है भैया कि मुझे देख के आपके मन में क्या आ रहा है? तुम्हें देख के सक्सेना, मेरे मन में आ रहा है कि मैं तुम्हारे गाल छील दूं। I like it. You do. ये जवाब भी गलत है भैया आपका। क्या है कि हमारे पागल समाज में जो पागल होते हैं ना वो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, एक दूसरे को धर धर के चांटे नहीं मारते। बल्कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हम पागलों को हमेशा ठेस पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कभी नहीं देखा कि एक पागल दूसरे पागल को परेशान कर रहा है। हमेशा नॉर्मल आदमी ही पागल आदमी को परेशान करता है।
हाँ, जैसे कि भभूति जी हमेशा सक्सेना जी को परेशान करते रहते हैं। चलिए भैया, मेरा अगला सवाल है। भैया अगला सवाल ये है कि अगर मैं कहूँ कि आप बहुत बड़े कमीने हैं, एक नंबर के घटिया आदमी हैं आप, एक नंबर के लीचड़ हैं, कीचड़ हैं आप, तो क्या होगा आपका रिएक्शन? इस सक्सेना का बच्चा मेरे सारे जवाब को गलत साबित कर रहा है। क्या जवाब दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने दे दिया गलत जवाब। पागल कभी भी इतना सोचता नहीं है भैया। ये देखिए 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 कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं रिएक्ट, देख रहे हैं, पागल नहीं करते ऐसे। अब क्या है भैया कि मैं अपना आखिरी नुस्खा आजमाता हूं जिससे कि ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि आप पागल हैं या नहीं। पागल है क्या बे? एग्जैक्टली। मैं पागल हूं, आप पागल नहीं हैं। क्योंकि जब पागल होते हैं तो करंट को एंजॉय करते हैं, जैसे कि मैं। आई लाइक इट। भाभी माँ विभूति भैया बिल्कुल नॉर्मल है। गुलफाम कली भी मेरी जिंदगी में एक बुरी खबर की तरह है। पता ही? मैं भाभी जी को हरी हरी चूड़ियां देने गया था, पता नहीं कहां से आन टपकी ये मनुष्य, सारा गुड़ गोबर कर दिया इसने। मैं अन्नू को क्या बोलूं, क्या बताऊं, क्या समझाऊं अन्नू को। ए चाय बना दे। क्यों गम गलत कर रहे हैं जनाब, क्या परेशानी है? आपको तो पता है क्या माजरा है, कुछ छुपा है आपसे? हाँ नहीं, वो तो हम समझते हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल आपके साथ हैं। जब एक साथ बैठकर जाम लगा सकते हैं, एक साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, तो आपके मुश्किल हालात में आपके साथ नहीं हो सकते? थैंक यू सो मच तिवारी जी, आपका इतना कह देने से मेरे में कितनी हिम्मत आ गई। तिवारी जी, आई वाज फीलिंग सो लोनली। कुछ समय के बाद आप सिर्फ लोनली ही फील करेंगे। तो कुछ कहा आपने? हमने कहा कि हम आपको इन हालात में लोनली फील नहीं होने देंगे। तिवारी जी, अन्नू को समझाइए, प्लीज मेक आर अंडरस्टैंड। बिल्कुल हम समझाएंगे अनु को, मतलब भाभी जी को। हम नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? हम समझाएंगे। तिवारी जी, आप अनु को समझाइए, उसको कहिए कि जैसा वो सोच रही है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और गुलफाम कली से मेरा कोई चक्कर नहीं है, वो मेरी आइटम नहीं है। बल्कि ये इल्जाम अपने सर ले लीजिए। आप उनसे कहिए कि वो जो गुलफाम कली है वो आपकी आइटम है और आपकी सेटिंग है उसके साथ। वैसे भी आपकी मोहल्ले में तो कोई इज्जत है नहीं। मेरे तो इज्जत है तिवारी जी, प्लीज इतना कर दीजिए मेरे लिए, प्लीज। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि हम भाभी जी से कहें कि गुलफाम कली के साथ हमारा चक्कर चल रहा है? एग्जैक्टली। अच्छा, फिर वो जाके अंगूरी को बताएंगी? एग्जैक्टली। और अंगूरी हमें तलाक दे देगी? एग्जैक्टली। नहीं नहीं, आप मेरे लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। मतलब आप चाहते हैं हमारा तलाक हो जाए? नहीं तिवारी जी, आपका तलाक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भाभी जी बहुत सीधी है, बहुत डिसाइल है, बहुत वल्नरेबल है, वो तलाक नहीं देंगी आपको। गुस्सा होंगी, नाराज होंगी आपसे,
फिर वो आपकी अम्मा को फोन करेंगी, अम्मा जी आपके घर पे आएंगी, थोड़ा सा आपको कूटे पीटेंगी, चले जाएंगी, कहानी खत्म। तिवारी जी, मेरे केस में अनु मुझे तलाक देने पे तुली हुई है। तो हम चाहते हैं, ये कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, अपना घर फूंक कर दूसरे के घर को रोशनी देने का यूं तो हमें शौक नहीं है, लेकिन जहां तक भाभी जी को समझाने का सवाल है, हम भाभी जी को जरूर समझाएंगे कि वो आपको तलाक दे दे। जी मतलब समझाएंगे कि आपको तलाक न दे। प्लीज समझाइए अनु को, प्लीज समझाइए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान तो हम खुद पर कर रहे हैं भभूति जी, अब हम भाभी जी को ऐसा समझाएंगे कि भाभी जी आपको सीधा लात मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। किस सोच में लग गए आप? कुछ नहीं, समझाते हैं भाभी जी को, जाकर समझाते हैं। न्यायाशियों को पागलपन की चादर से ढकने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी अनीता हूं, मैंने उसके नाटक को तार तार कर दिया। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। भाभी जी हमें बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि भभूति जी ने ऐसी घटिया हरकत की है। उन्होंने आपकी मांग में भरे दृश्य सिंदूर का अपमान किया है भाभी जी, उन्होंने आपके आपके विश्वास का खून कर दिया। प्लीज बस 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 करिए, मैं ये सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ और आप बोल बोल के मुझे याद करा रहे हैं। क्यों नहीं याद दिलाएं भाभी जी, क्यों नहीं याद दिलाएं? आप भले भला माने या बुरा माने, लेकिन हम नारी का अपमान नहीं सह सकते भाभी जी। आखिर कब तक नारी जो है वो सहनशीलता की मूर्ति बनी रहेगी? कब तक भभूति जी जैसे घटिया लोग उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे? और कब तक आप जैसी महिलाएं भभूति जी जैसे लोगों की घटिया हरकतों को भूलने की कोशिश करती रहेंगी? हम ये नहीं सह सकते भाभी जी, बिल्कुल नहीं सह सकते। अरे जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाइए भाभी जी, कैसे शांत हो जाइए? अरे आप जैसी श्रीदेव मतलब देवी स्वरूप औरत के साथ वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और हैरत की बात देखिए भाभी जी, भभूति जी ने इतनी घटिया हरकत की है फिर भी आपसे भूलने के लिए कह रही है भाभी, इससे तो उनके भाव और बढ़ जाएंगे ना। तिवारी जी, you're right. तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूं? करना क्या है भाभी जी, बस उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? मैं विभू को छोड़ दूं? मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए उन्हें लतिया मतलब घर से बाहर निकाल दीजिए। कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो खुद ही आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा भाभी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, भभूति जी की होगी अब खटिया खड़ी। कैसन बा? हम तो ठीक बा। का बात है? आई यू आर लुकिंग वेरी हिप्पी। वो हिप्पी नहीं, हैप्पी होता पगली। सही पकड़े हैं। का बात है? अब बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। हाँ पगली, क्या है कि हमारी दरअसल एक पॉलिसी आज पकने वाली है। आइडिया, कौन सा पॉलिसी मटूरे होने वाला है? वो मटूरे नहीं, मैच्योर होता है पगली। सही पकड़े हैं। इस पॉलिसी का नाम है प्रेमानंद पॉलिसी। आइडिया, ये पॉलिसी का नाम तो हम कभी सुने ना ही। दरअसल ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, इसकी काफी किश्तें हम काफी समय से अदा करते आ रहे हैं। आज लग रहा है कि ये पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। खैर वो सब छोड़ो, तनिक हमारे पास आओ, थोड़ा रोमांस करें पगली। नहीं नहीं, हमको शर्म आता है। शर्म को त्याग दो हमारी बाहों में तो आओ। अरे आई आई लड्डू के भैया। अरे क्या कर रही हो लड्डू के भैया? आप तो बिल्कुल बुढ़ाऊ हो गए हैं। बुढ़ाऊ हो गए? अच्छा, अरे क्या कर रही हो, तनिक रुको तो। लड्डू के भैया, आज हम आपके हाथ ना ही आने वाले हैं। अच्छा, हम भी देखते हैं। अरे
का। वो देखिए, वो अनिता जी के घर के बाहर टैक्सी काहे खड़ी है। ओहो, मतलब खेल हो गया गुरु। कौन सा खेल? अरे वो जो भभूति जी पागलपन का नाटक कर रहे थे ना, वो गुलफाम कली कांड से बचने के लिए, तो समझ लो उस नाटक से पर्दा उठ गया है और भाभी जी भभूति जी को लतिया के घर से बाहर निकाल रही है।